Hey guys, what is up? Welcome back on the game with Prasad. दोबारा से खेल रहे हैं Pokemon को, बट इस वाले गेम पे प्रसाद को होने वाला है, क्योंकि इस बार हम यूज करने वाले हैं हमारे संडो मेटल रोज को मास्टर लीग के अंदर. ओब्वियसली तो मैंने किसी तरीके से स्टार्ट किया, और मेरा जो मेटल रोज है वो तुम लोगों को पता है, मेरा जो मेटल रोज है वो लेवल 50 का है, 51 सॉरी वैसे बड़ी है, तो 51 में मैं इजीली उसको यूज़ कर सकता हूँ. तो मैंने स्टार्ट कर दिया बैटल. ओके, मैंने उसको बॉडी बूस्ट करके रखा है ऊपर. मैं आई होप सो मैं इसी टीम के साथ जाना चाहूँगा. हाँ, वाटर टाइप के अगेंस्ट वीक है थोड़ा सा, मुझे पता है, बट ठीक है, देखते हैं. स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जो मेरा मैं क्या बोलूँ एक्सकैडबल को अगर फ्रंट में रोके तो तुम्हारे पास बहुत सारे मैचअप्स आते हैं, मतलब अच्छे मैचअप्स आते हैं ना ये लाइक, क्योंकि बहुत सारे पोकेमोन के अगेंस्ट ही वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसका बस जो उसका नाम क्या फास्ट मूव है, मतलब चार्ज मूव टाइपिंग है लाइक रॉक स्लाइड एंड ड्रिल रन, वो बहुत सारे टाइपिंग्स को कवर करता है लाइक फ्लाइंग ड्रैगन बहुत सारे. ओके, तुम बोल सकते हो अभी भी मुझे एडवांटेज मिला है, क्योंकि देखो नॉन रेड इफेक्टिव आ रहा है वो, अगर साइड स्ट्राइक मारेगा तो न्यूट्रल डैमेज तो होगा क्योंकि उसका अटैक स्टैट बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं एडवांटेज में आ ही गया हूँ, क्योंकि वो स्टील टाइप है आधा, देखा स्टील भी किया उसने. वैसे ये इस म्यूटू का सी पी थोड़ा सा कम है रेल दस में. ओके, मुझे एक फील्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास पहला जो पास मिले वो कंफ्यूजन है, जो कि डैमेज बहुत भयानक करता है, तो जिसे मुझे थोड़ा सा फील्ड आउट करना पड़ेगा. ओके, मुझे क्या मैं एक और ओके मैंने कर लिया, आई होप सो कोई फील्ड ना करे इसको, आई होप सो. और ओके, उसने फील्ड कर दिया, वो भी लिट के पीछे पड़ा है, मैं भी लिट के पीछे पड़ा हूँ, दोनों पड़े हैं लिट के पीछे. ओके, क्योंकि उसने अटैक कर दिया, क्योंकि उसको पता है मैं अभी फील्ड अटैक करने वाला था. ओके, ऐसे मेरे पास थोड़ा सा तो डिसएडवांटेज आ गया. ओके, नल मेटल के बाद वैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं है. ओके, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा सुपर पावर. ओके, उसके पास नेक्स्ट पोकेमॉन कौन अटैक स्विच, ये भाई मुझे पता था वो शील्ड करे स्विच आउट करेगा, पर मैंने फिर भी ये किया, पता नहीं क्यों किया. तो ठीक है, थोड़ा सा भाई स्विच. ओके, एक दो तीन चार. ओके, क्या मैं उसको मार सकता हूँ, देखो मेरे पास आई डोंट थिंक सो उसके पास कोई अटैक है तो वो किसको मारने के लिए अनदर देन इंफिनिट पावर, तो मैं इसको फार्म डाउन कर सकता हूँ इजीली. और मैं आई होप सो कि मैं इसको भी मार सकता हूँ. और ओके भाई, मेरा लैग कर रहा है, बहुत बुरा लैग कर रहा है, ओके, एक और स्पेयर के काफ़ी होगा इसके लिए. प्लीज से यस. नहीं होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी हमारे हम आई होप सो हम जीत जाएंगे, क्योंकि तो शील्ड नहीं, और एक उसका डिफेंस भी वैसे नॉट हुआ है थोड़ा सा सुपर पावर की वजह से, और हमने मीटियोर मैच मार दिया. ओके, पहला बैटल हम जीतते हुए नहीं. वैसे मैं तुम लोगों की बात बताना चाहता हूँ, जो कि है मैं एक बैन खा चुका हूँ. हाँ, मैं एक बैन, तुम लोग पता है मैं सुपर हूँ, सुपर था, मैंने ऑब्वियस छोड़ दिया एक बैन खाने के पास मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियस मेरे अकाउंट बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा है, पता नहीं किसके लिए कैसे होगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा है फिलहाल को. तो ज़्यादा 75 ओके, एक्सकरू वर्स मुझे, मैं इसी बात की इसी चीज़ की बात कर रहा था. ओके, सीधा रोके कि स्विच करो, वो भी स्विच आउट करेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या होगा. ये गेम ही हमारे हाथों से लग रहा है भाई, मेरे ख्याल से मुझे टीम चेंज करनी पड़ेगी. वो मार दे भाई, तेरा ही तू ही बाकी है ना. वैसे इसकी सीपी कम है क्या थोड़ी सी, नहीं सीपी तो मैक्स पर इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो रहा है, चार्म से जस्ट चार्म से ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है. ओके, एक्सकैडबल के अगेंस्ट से तो अच्छा ही है मेटाग्रॉस. ओके, एक रॉक स्लाइड मारा उसने, मैं इसको सील नहीं करूँगा क्योंकि ओके, मुझे पता था, बट मैं इसको सील नहीं करेगा क्योंकि वो उसका नाम ओके जर्न है, बट स्टिल हारे ही जाएंगे, क्या ही फायदा. ओके, उसने ये शील्ड बचाने के लिए किया, सॉरी मेरा शील्ड खाने के लिए किया, जिससे वो कायोगर से डायरेक्ट सर्फ मार सके मेरे एक कर. ओके, ओके, मेरे ख्याल से मैं हार चुका हूँ, मुझे मैंने फिर भी हर चीज मारे. अगर मैं दो ड्रिल रन एक साथ मारता हूँ तो भी कुछ नहीं
द मेन थिंग दो ब्रिलियन अगर मैं मार देता हूँ इसको तो भी मैं नहीं पसंद होता मेन थिंग में ओके मैं डायरेक्ट स्किप कर दिया थर्ड बैटल में ओके 0-0 वैक के साथ हमारी थर्ड बैटल ओके मैं देखो बस न्यू हूँ वैसे मैंने टीम चेंज कर दिया ओके टैरेंटार वर्सेस मैं अगर ये लग जाए सकता है क्या ये ओके लग गया वेरी नाइस अभी एक्स कर हम स्पॉटलाइट में वैसे मुझे एक बात कहनी है जो है मुझे एक गलती होगी ये वीडियो मेटाक्रोस के लिए नहीं है ये वीडियो एक्चुअली में एक्सकर्टर के लिए है मैंने जस्ट एक्सकर्टर को लेवल 50 किया था तो मैंने स्टार्टिंग से मुझे माफ़ करना गाली मत देना बट मैंने गलती से मेटाक्रोस बोल दिया और मैं स्टार्टिंग से मेटाक्रोस ही को ही कर रहा था बट ये बैटल स्पेसिफिक इसके लिए है ओके मैंने एक बार मार दिया लगभग लग गया उसका भी तीन हो गया ठीक है वो अटपिक मारेगा ये अटपिक मैं ओके दो ओके इंसान खुद की मौत खुद बुलाता है दो की तरह उसने खुद हो गया 3-4-5 उसके बाद कोई अटैक नहीं है मेरे उनके अगेंस्ट बट हाँ हरिकन है बट मैं और स्पेयर से डायरेक्ट उसको मार सकता हूँ उसमें अटैक करके 2-3-4 बस मुझे बस एक टर्म चाहिए उसके बाद मैं और स्पेयर मार सकता हूँ ओके मान लिया कैसे मरेगा वो ऐसे मर जाए मिस मर जा भाई नहीं मरा बहुत बड़ा कमी है इसकी चलो मर जा वैसे मेरे को किसी भी फिर कम थी या फिर नहीं थी 4287 उसकी मैक्स सी पी एम देगी 4210 था ठीक है ठीक है वही 91-93 समथिंग वर्सेस न्यू टू ये बैटल वैसे खराब हो चुकी है क्योंकि मेरे दोनों पोकेमोन इसके मैंने बाकी दोनों को एक्सकैडल और टोगिस है टोगिस पक्का मैं नहीं कर सकता टोगिस नाम भी हो सकते क्योंकि इसके पास चार अटैक टाइप के अटैक है क्या मेरा एक टाइप से कुछ प्रदान करेगा ओके नहीं किया बट क्योंकि वो जो लैंडो है उसके बाद तीन चार टाइप का अटैक है पहला तो सुपर पावर है मुझे पता है और आउटरेज भी कर सकता है वो स्टोन एज भी कर सकता है वो फ्लाइंग टाइप मूव मुझे पता नहीं बट उसको और पता है कुछ और लास्ट बट एटलीस्ट उसके लगे थी मुझे चैंसियस फॉर्म तो तुम बोल सकते हो उसके पास सारे के सारे टाइपिंग के अटैक्स है एक्वा टेल ओके मैं ये तो खरीद अभी वो सोच रहा है कि क्या निकालेगा मैं भी वही सोच रहा हूँ ओके मैं ऑब्वियसली मैं इसको तो नहीं निकाल सकता ओके मैं एक्स्ट्रा ड्रिल को तो नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ड्रिल को मैंने निकाल भी दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा कुछ ओके एक सील करने वाला हूँ मैं एक ब्रेव बर्ड मार दिया उसने ओके क्या मैं ये जीत पाऊँगा मुझे लगता नहीं है बट फिर भी ट्राई करने कर रहा हूँ मैं ओके ओके सैंडसियस स्टॉर्म बहुत गंदा डैमेज करेगा मुझे पता है गाली मत देना तुम ओके 2-3-4 ओके मैंने थोड़ा सा चार्ज अप कर लिया है खुद को क्या मैं उस हो को मार सकता हूँ इससे वो अगर दो इंसिडेंट मारेगा मुझे तो मेरा जो उसका जो है उस रोलोड हो जाएगा कि मैं हार चुका हूँ मेरे ख्याल से मैं हार चुका हूँ पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे हार चुका हूँ आप इतना ज़्यादा बल्कि भाई उस हाँ ठीक है मैंने अटैक तो कैच कर लिया वेरी नाइस बट उसने ब्रेव बर्ड यूज़ किया था ब्रेव बर्ड उससे हाफ डिफेंस कम हो जाता है और वो अभी तक नहीं मारा कितना ज़्यादा बल्कि अगर हंडो हुआ तो भी चलो बहुत ज़्यादा बल्कि हो गई है क्या है भाई ये हो तो अलग ही लेवल का है मैंने तो सोचा हो वही चार्जर डल्वन फ्लेम या मोल्ट्रेस्ट के जैसा ही होगा ये कुछ ज़्यादा ही है हम मुझे एक बंदे ने बोला था कि हो का डिफेंस बहुत ज़्यादा है दूसरे फैट टाइप्स से बट पता ये नहीं पता था कि अभी तो हो ट्राई करना पड़ेगा हो कि वैसे मेरे पास हंडो हो है उसको मैंने सैक्रेट स्वॉर्ड भी दे दिया है बट मेरे पास फुल्ली कैंडीज नहीं है उसको लेवल 50 करने का भाई तो उसको लेवल 44 का बना दे सकता हूँ अभी के अभी बट उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना मैं मेनली वीडियोज का नहीं बना पाऊंगा ना उससे ओके एक साइज स्ट्राइक
वैसे अगर मैं डायरेक्ट फोकस ब्लास्ट मारूंगा तो क्या होगा? जब मैंने मारा नहीं तो मुझे मारना भी नहीं होगी। फर्स्ट स्ट्राइक ही अच्छा है अभी के लिए तो। ओके, वो उसने ड्रैगन टेल से जाना बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया मुझे। मुझे शील्ड चाहिए तो उसने भी दो शील्ड किया, मैं भी दो शील्ड करूँगा। आई होप सो मेरा ये वाला काम कर जाएगा। 2, 3, 4 ओके, क्या ये मरेगा? आई होप सो तू मर जा, आई होप सो मर जाएगा, आई होप सो मर जाएगा, आई होप सो मर जाएगा। मर जा भाई, नहीं मारा, कैसे नहीं मारा भाई उसका डिफेंस। ओके, अभी तो मारना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन है, मारना तो पड़ेगा। पालकिया से मुझे कोई मतलब दुश्मन ही नहीं है, बस डियाल का बेटा, डियाल का फैंस। नहीं तो पालकिया भी अच्छा है पोकेमोन। ओके, वो सुपर पावर मारेगा, बहुत गंदा डैमेज होगा। क्या मैं रेड हो जाऊंगा सुपर पावर? ओके, येलो हो गया ठीक ही से। आई थिंक आई एम गोना बी गोना लॉस, बट मैं फिर भी इसको मारने की ट्राई करने वाला हूँ। थोड़ा सा नहीं कर पाया मैं, कोई बात नहीं। ओके, ये संडो। ओके ओके, संडो गार्ड स्वॉम्प है ये। मैंने बहुत ट्राई किया था, मुझे नहीं मिला भाई, बहुत ट्राई, मैंने हद से ज़्यादा ट्राई किया था संडो गार्ड स्वॉम्प पढ़ने में। ठीक है, कोई बात नहीं, 22 संडोज तो है, 26 बाय बाय। ओके, सैंड स्टॉर्म तो बेकार है, मेरा डिफेंस कम करा है वो मेन। मैं अगर थोड़ा से मारता भी हो तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं पता था, रॉक स्लाइड रेडी हो गया उसका, तो वो हमको डायरेक्ट रॉक स्लाइड मारेगा और हम खत्म। ये हमारी चौथी बैटल है ना, चौथी बैटल या पांचवी बैटल बताएं, चौथी बैटल है, आई होप सो चौथी बैटल हो। वैसे अभी क्या चल रहा है? ओके, पांचवी पांच बैटल कंप्लीट हो गया हमारे, कोई बात नहीं। सो अच्छा ही बैटल था हाँ मेरे लिए, थोड़ा सा मैं हर वीडियोस में यही होता है मेरे लिए, कुछ ना कुछ होता है और पोकेमोन हार जाते, बट ठीक है। तो आज कहीं भी देते रहते कैसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर, सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगर बोलूँ तो अच्छा पोकेमोन है वो, बहुत ज़्यादा, उसका नाम क्या है, एक्सकर बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है, क्योंकि वो मैं क्या बोलूँ, उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, मतलब स्टील टाइपिंग है ऑब्वियसली, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में भी रहता है, और उसका जो अटैक टाइपिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कवरेज करता है, तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइपिंग है पोकेमोन। सो बाय बाय।